सबसे पुराना हनुमान का मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि यमुना के किनारे पर ठीक ताजमहल के साथ ही बना हुआ है। तो चलिए आप भी देखिए और इसे एंजॉय करिए। इस मंदिर में जाने के लिए ताजमहल के पश्चिमी गेट की ओर जाते हुए हमें लेफ्ट साइड की ओर कुछ समय पहले ही मुड़ना होता है। आप लोग लेफ्ट साइड की ओर देख रहे हैं लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल। ये बाउंड्री वॉल ताजमहल की ही बाउंड्री वॉल है और इस समय हम ताजमहल के साथ साथ ही यमुना के किनारे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर कि हनुमान का मंदिर स्थित है। और यह हनुमान का मंदिर ताजमहल के बनने से पहले भी यहां पर मौजूद था। तो चलिए आगे चलते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं खाने आजम बाग तक। और ये खाने आजम बाग ताज कॉरिडोर के अंडर डेवलप किया गया है। अभी ये थोड़ा बहुत है अंडर डेवलपमेंट ही, परंतु ये फिर भी बहुत सुंदर बना है। आप अपने राइट साइड की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और हरी भरी घास आप लोगों को दिखाई देगी। Thank you.
इस तरह लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र अंदर की ओर तय कर कर हम लोग यमुना नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। और अब आप लोगों को यहाँ पर हम दिखाते हैं हनुमान का मंदिर, जो कि आगरा का सबसे पुराना मंदिर है और ये ताजमहल के बनने से पहले भी यहाँ पर मौजूद था। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई देगी, सिवाय पक्षियों की चहचहाट और जीव जंतुओं की आवाज़ों के अलावा आपको यहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा सुनने या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सामने की ओर जो आप लोग देख रहे हैं, यही है आगरा का सबसे पुराना हनुमान का मंदिर। तो चलिए आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं। मोहम्मद बाबा क्या बात है, नहीं जानते